रतलाम के नावली स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के मामले में नावली थाना पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आईटी एवं पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। अगस्त 2022 में स्कूल प्रबंधन द्वारा बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। इसके बाद बच्चों और परिजनों ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन पर की थी। मामले के तूल पकड़ने पर राष्ट्रीय बाल आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एफआईआर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें थाना नामली क्षेत्र का प्रकरण है। ये थाना नामली क्षेत्र में एक शिकायत थी कि एक स्कूल है सेंट जोसेफ, जिसने अपने बच्चों के जो वॉशरूम था उसमें कैमरे लगा रखे हैं, जिस बात को लेकर कई दिनों से उसमें जाँच चल रही थी। उस दौरान ये तथ्य सामने आया था कि उसमें कैमरे लगाए गए हैं और उनके फिर चाइल्ड हेल्पलाइन और सभी के स्टेटमेंट के आधार पर एक एफआईआर की है 66E और पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं में। उसमें अभी मैनेजमेंट के खिलाफ किया गया है। उसके बाद जो भी उसमें लगाना है या जिनकी भी भूमिका आएगी या जो इस अपराध में होंगे उनके खिलाफ पदानी कार्रवाई करेंगे। सर, मामला अगस्त 2022 का है और एफआईआर अब हो रही है, इतनी देरी की वजह क्या रही है? आपका जो मानना है कि विलंब का कारण क्या रहा, तो उसमें कई सारे तथ्य होते हैं जिनको समाहित करके फिर करना होता है। और जैसा आपको मैंने बताया कि चूंकि बच्चों से संबंधित है तो उसमें सारे तथ्य कलेक्ट करने के बाद में और इसमें माननीय आयोग की भी जांच हमारे पास में थी, तो इन सब सारी चीज़ों को समाहित करने के बाद में फिर हमने कार्रवाई की है।